वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बोश कंपनी का वैक्यूम क्लीनर लेके आऊँ, जिसका मॉडल नंबर है प्रोफेशनल GAS 15PS। और दोस्तों इसके वाट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये 1100 वाट का है और ये 15 लीटर का है और उसका जो सा बॉडी वेट है वो 6 kg है। और दोस्तों बड़े आराम से आप इसको कैरी साइड वगैरह पर लेके जा सकते हो। ये देखिए, जैसे ये मैंने उठा लिया, बड़े आराम से एक आदमी उठा के लेके जा सकता है कहीं भी इसको। और दोस्तों इसका जो सा हमने इसका ऑटोमेटिक है जे, और अपना जैसे हम किसी भी टूल के साथ एक तो एडजस्ट करेंगे, लगाएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। जब हमारा टूल ऑन होगा ये तभी ऑन होगा, ये ऐसे नहीं होगा। और दोस्तों इसके अंदर दोनों चीज़ें 2-in-1 है, इसके अंदर वैक्यूम भी है और ब्लोअर भी है इसके अंदर। और जो सा हमने ये अपनी वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है, ये हमने 10,000 का रखा है। ये मुझे पता है वीडियो चालू होने से पहले आप इसका लाइक का बटन दबा दोगे। और चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों बॉक्स ओपन करते ही हमने सबसे पहले मैनुअल बुक मिलती है। दोस्तों इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो इंग्लिश में भी है ये, क्योंकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताऊंगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बार बार मुझे कमेंट करके पूछते हैं आप कहां से परचेज किया है। दोस्तों ये मैंने प्रोडक्ट है जो सा ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है, तो अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर। दोस्तों ये देखिए वैक्यूम के साथ हमें क्या क्या चीज़ें साथ में मिलती हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे हाथ में ये पाइप आता है, एयर पाइप है इसके, ये 3 मीटर का पाइप होता है। दोस्तों इसके साथ ये कनेक्टर लगाऊंगी, ये बड़े वाला जिन सा कनेक्टर होल का है ये इसके अंदर वैक्यूम के अंदर लगता है। और ये छोटे वाला कनेक्टर है, जैसे मेरे पास आप सामने देख रहे हो, ये 2 राडें स्टील की हैं। ये देखो ये प्लास्टिक की नहीं है, ये स्टील है। ये 2 ये मिलती हैं और एक हमें इसके साथ, और एक हमें इसके साथ ये मिलता है वाइपर, ये मिलता है। और वाइपर के आगे ये ब्रश लगे हुए हैं, जैसे हमें कोई भी डस्ट वगैरह उठानी तो आगे से कटिंग वगैरह दे रखी तो इसके ज़रिए क्या डस्ट वगैरह आगे चली जाती है। और ये इसके साथ अटैच होते हैं, ये देखिए ये इसके साथ अटैच हो गया और ये इसके साथ अटैच हो गया। दोस्तों ये बड़े वाला जो था पाइप का कनेक्टर है, ये वाला हमारा इसमें नहीं लगेगा, ये हमारा वैक्यूम के अंदर लगेगा। और ये छोटे वाला है ये इसके साथ अटैच होगा, क्योंकि अब ये अटैच होने के लिए इसके साथ भी एक कनेक्टर चाहिए, वो मुझे लगता है इसके वैक्यूम के अंदर होगा, तो हम इसको खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए वैक्यूम ओपन करके देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये वाला कनेक्टर इसके साथ लगे, इसको थोड़ा सा पीछे लूज कर लेंगे। ये देखिए इसके अंदर 2 लॉक दे रखे हैं, हमने इस तरीके से डालना है, ये डाल दिए, ये लॉक हो गया। ठीक है हमारा, और ये हमारा लग गया। ठीक है, और इसके ये हमारा यहाँ से लग गया। और मैं आपको बताता हूँ, ये इसके साथ दोनों ये स्टिक मिली होती हैं, लिपस्टिक बोलते हैं इसको, तो हमारे ये यहाँ लगेगी। आप ये दोनों, एक लंबी होती है एक छोटी होती है, ठीक है, ये इस तरीके से निकालेंगे हम लोग ना, ये निकल गई हमारी। ठीक है, इधर इधर बड़ी वाली आएगी हमारी, इस तरीके से आएगी बड़ी वाली, और छोटी वाली दोस्तों इसी तरीके से बैक साइड में आएगी। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा वैक्यूम के बारे में बात कर लेते हैं, इसके साथ इसके अंदर और हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं साथ में। दोस्तों एक तो ये मिलता है नोज़ल है इसके साथ, जैसे छोटी मोटी कोई आपने सफाई वगैरह करनी है तो यहाँ एडजस्ट हो जाए, इसके साथ ये लग जाता है, ये जैसे इसके साथ लग गया, कॉर्नर वगैरह में कोई भी सफाई वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ एक हमें ये मिलता है, ये भी बताएंगे, और इसके साथ हमें ये पोलोथीन मिलती है, ये इसके साथ ये बैग मिलते हैं, ये इसलिए डस्ट वगैरह इसके अंदर हमारी इकट्ठी हो जाए। ठीक है, ये भी बताऊँगा। और दोस्तों ये हमारा है, इसके ऊपर कवर चढ़ रखा है, ये देखिए, इसको कभी भी आपने चलाना है, इसको कभी भी आपने ये नहीं ओपन नहीं करना है, ये इसके ऊपर ज़रूर चढ़ा के रखना है इसके ऊपर। अगर इसके अंदर गंदगी वगैरह हो जाए तो हमें इसको साफ़ कैसे करना है, ये देखिए इस तरीके से हम इसको साफ़ करेंगे, ये हमारा खुल जाएगा, ऐसे इसको झाड़ लेंगे, सारी सफाई वगैरह हो जाएगी
और ये इसके साथ इसके ऊपर ये चढ़ाने के लिए ना मुझे लगता है ये दे रखा है ब्लैक कलर वाला दोस्तों नीचे गिरे। ये दोस्तों यहाँ वैसे लगता है इस जगह, ठीक है, ये हम इसको फिर फिट कर देंगे, लॉक कर देंगे और ये इसको इस तरीके से चला देंगे हम लोग। दोस्तों मैं इसकी आपको पॉलीथीन फिट करके दिखाता हूँ। ये हमें इसके साथ बैग मिलते हैं, ये देखिए ये बैग मिले हुए हैं इसके साथ, एक दो तीन चार पांच बैग मिलते हैं। ये हम इस तरीके से फिट करेंगे, दोस्तों ये हमारी फिट हो गई है, इसके हम वैक्यूम फिट करेंगे और ये हम लॉक लगा देंगे। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा, ये देखिए ये हमारा अटैच हो गया और यहाँ पर यहाँ से इसका ऑन ऑफ का है, ये इधर तो ऑटोमेटिक पर चलेगा, ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक का है इसका, ठीक है, जब वहाँ से मशीन ऑन होगी तभी ये हमारा काम करेगा। दोस्तों ये देखते हैं इसका वैक्यूम किस तरीके से काम करता है। दोस्तों जितना भी हमारा डस्ट होगा जो था ये हमारा जो पोलोथीन हमने अंदर लगाया था तो उसके अंदर आ गया होगा। दोस्तों इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर हमारी डस्ट आई है कि नहीं आई है। दोस्तों जितनी भी डस्ट थी हमारी इसके अंदर आ गई है, देखो मोटा ब्रीक बुरादा सारा जो भी था हमारा इसके अंदर आ गया। दोस्तों इस वैक्यूम की मैं आपको एक खास बात और बताता हूँ, ये पानी को भी कैसे अपने अंदर खींच लेता है, ये देखिए ये है मेरा, ये वाइपर की तरह काम करता है। ये देखो मैंने अपना पानी गेर दिया इधर, मैंने काफ़ी पानी गेर दिया और ये देखिए कैसे वैक्यूम की तरह काम करेगा, ये बिल्कुल वाइपर की तरह काम करता है। नीचे ब्रश की जगह प्लास्टिक लग गई है, देखिए पानी बिल्कुल नहीं रहा, पानी इसके अंदर चले गया होगा। दोस्तों इसके अंदर देखते हैं पानी इसके अंदर आ गया होगा, ये देखिए दोस्तों जो भी पानी था ये हमारी थैली में आ गया, ये देखिए ये सारा पानी इसके अंदर आ गया। मैं दिखा भी देता हूँ एक बार आपको फिर, ये देखिए। अब मैं इसका आपको ब्लोअर दिखाऊंगा, ब्लोअर से पहले एक चीज़ और दिखाना बता देना चाहता हूँ। जैसे ये हमारा हिलता रहता है इसके नीचे क्या है, इन्होंने चार व्हील दे रखे हैं, दो में ब्रेक लगी हुई है, ये देखिए मैंने ब्रेक ओपन कर दिया, अब ये चारों चल रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने इनको ब्लॉक कर दिया, अब ये हिलेंगे नहीं, यानी कि अब ये जाम हो गया था, क्योंकि ये सरमाके के ऊपर रखोगे आमतौर पर आप ज़मीन पर नीचे ही रखोगे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अपना ब्लोअर चालू करूँगा। दोस्तों इसकी पावर बहुत ज़बरदस्त है इस ब्लोअर की, ये गया, ये हमारा लॉक हो गया, ठीक है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, इसको हम क्या करेंगे खोल लेंगे, क्योंकि हमने ब्लोअर का इस्तेमाल करना है, हमने इसको खोल लिया, हम इसके आगे ये वाली लगा लेंगे, ठीक है, ये हमारी काम करेगी। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये हमारा, ये देखिए दोस्तों दोस्तों मैंने इसकी दोनों चीज़ें आपको इस्तेमाल करके दिखा दी, मैंने इसका ब्लोअर भी कर दिया और वैक्यूम भी इस्तेमाल करके आपको दिखा दिया। अब आपको ऑटोमेटिक दिखाता हूँ कि जब हमारी मशीन ऑन होगी तो ये अपने आप ऑन होगा। दोस्तों मेरे पास बॉश कंपनी का ये रूटर है, ये मैं इसके साथ ऑटोमेटिक आपको अटैच करके दिखाऊंगा इसके। और दोस्तों अगर किसी ने ये परचेज करना हो, ये भी अमेज़न पर है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हो।
दोस्तों रूटर का स्विच हम इसमें लगाएंगे ऑटोमेटिक में। अगर आपके पास ये वाला स्विच ना हो, ऐसे नहीं आपके अंदर जा रहा होगा कोई बड़ा वाला होगा, तो आप डायरेक्ट इसमें वायरें भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये लगेगा इस तरीके से, ये देखिए ये हो गया। अब हम वैक्यूम का स्विच उसमें लगाएंगे। दोस्तों वैक्यूम का स्विच इधर हमने लगा दिया, अब इसको ऑन करते हैं। दोस्तों ऑटोमेटिक का ये फायदा है कि जब हम कभी भी वर्किंग वगैरह करते हैं तो हमें यहीं से यानी कि मशीन के साथ ही हम इसको अटैच कर देते हैं और हमें दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ती भी इसको ऑन करियो यार इसको ऑफ करियो। तो उसमें टाइम की भी बचत होती है बहुत ज़्यादा और बिजली की भी बहुत ज़्यादा हमें बचत मिलती है। ये देखिए मैं इसमें चालू करूँगा, अपने रूटर को चालू करूँगा, ये अपने आप चालू हो जाएगा, ये देखना। दोस्तों ये यानी कि रूटर जब मैंने ऑफ किया एक दो सेकंड बाद ये अपने आप ऑफ हो जाती है, इसका ये फायदा है। दोस्तों मैंने आपको सारे फंक्शन बता दिए भी कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, बाकी ये रह गया था ये मैं आपको बताता हूँ जो उनसे हमें पाइप मिले हुए हम इसको कैसे इसके साथ यहाँ पर अटैच कर देते हैं। यानी कि इसके साथ एक तो हमारी इसके साथ सेफ्टी रह जाती है और पाइप की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, टेढ़े मेढ़े नहीं होते। ये देखिए ये उन्होंने दे रखा है। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और ज़्यादा ज़्यादा यारों दोस्तों में वीडियो आपने शेयर करनी है, कमेंट बॉक्स में बताना कैसे लगी।